कंप्यूटर बाबा द्वारा इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर किए गए अतिक्रमण पर सोमवार सुबह जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने यहां बने मकान को पूरी तरह से गिरा दिया। रविवार को गोमटगिरी के करीब कंप्यूटर बाबा का अवैध रूप से बना आश्रम गिराने के बाद यह जानकारी मिली थी कि सुपर कॉरिडोर पर भी बाबा ने अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने पर बाबा और उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कंप्यूटर बाबा से मिलने पहुंचना था, लेकिन वे इंदौर नहीं गए। कंप्यूटर बाबा का सुपर कॉरिडोर पर दूसरा अवैध कब्जा भी आज हटा दिया गया। अवैध कब्जे के मामले में सेंट्रल जेल इंदौर भेजे गए कंप्यूटर बाबा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर नहीं पहुंचे। कंप्यूटर बाबा शुरुआती दौर से ही विवादास्पद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उन्होंने पौधारोपण घोटाले को उठाया था, उसके बाद शिवराज सरकार ने उन्हें मंत्री का दर्जा दे दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। रविवार को कंप्यूटर बाबा द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाए जाने के बाद स्थित मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामवासी पहुंचे और पूजा अर्चना कर इस कार्रवाई पर प्रसन्नता जाहिर की। आश्रम गिरने के बाद प्रशासन को जानकारी मिली थी कि सुपर कॉरिडोर पर भी बाबा ने अतिक्रमण कर रखा है। आज उस अतिक्रमण को नेस्तनाबूद कर दिया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।